राजकीय कृतनेरू स्मारक उच्च विद्यालय गोमिया में 16 मार्च को 10वीं की छात्र छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन हुआ। विदाई समारोह कार्यक्रम में छात्र ने स्कूल में बिताए हुए पलों को याद किया, साथ ही साथ होली का उत्सव मनाया। इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य तारामणि कच्छप ने कहा, 169 बच्चों को आगामी 24 तारीख से होने वाली मैट्रिक की परीक्षा के लिए मंगल शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई मेहनत एवं लगन से करें और परीक्षा में पास होकर स्कूल का नाम रोशन करें। मौके पर मुखिया धनंजय सिंह, पुष्पा कुमारी, रश्मि जैन, श्वेता कुमारी, भरत रजवार, सुभाष सैनी, रोहन कुमार, अलखानंद प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। स्कूल में दशम वर्ग में लगभग 176 बच्चे थे, लेकिन उसमें से कुछ बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा। लगभग 159 बच्चों ने जो है फॉर्म भरा है, तो उन बच्चों का आज हम लोग विदाई समारोह कर रहे हैं। कल तक हमारा क्लास चला है और आगे भी अभी 24 तारीख से एग्जाम है, तो 22 तारीख तक हम लोग जो है लोगों का क्लास लेंगे। जैक के द्वारा जो भी मॉडल सेट वगैरह दिया गया था उसके अनुसार हम लोगों ने बच्चों का तैयारी अच्छी तरह से करवा लिया। हाँ, उसके बाद 22 तारीख तक बच्चे लगभग जो भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो अपना करेंगे। हम लोग एडमिट कार्ड जो है दे रहे हैं अभी, और उसके बाद इस तरह से आज विदाई समारोह करने के बाद फिर हम लोग इन लोगों का आगे की तैयारी के लिए शुभकामनाओं के साथ आगे हम लोग विदा कर रहे हैं।